हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आई बी टी। तो दोस्तों, रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव। तो यहाँ पर संडे को छुट्टी होती है और यहाँ पर मंडे को सुबह 7 बजे फिर से आपके सामने हाजिर हैं हम, सैटरडे संडे और मंडे की खबरों को लेकर, मतलब 7 to 9 जुलाई की खबरों को लेकर, 7, 8, 9 जुलाई की खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 जुलाई सैटरडे को हमने मंथली करंट अफेयर्स आपके सामने पेश किया था इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू, मतलब जून महीने के पूरे मंथली करंट अफेयर्स को 7 जुलाई को पेश किया था। इसी वजह से 7, 8 और 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। और अपने ही अंदाज में आप सभी से कहूंगा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार। आइए हमारे साथ जल्दी से जुड़िए और चलते हैं रोज की तरह कहां पर, करंट अफेयर्स के सफर की तरफ, जहां पर हमें बहुत कुछ सीखना है और सिखाना भी है। तो यहां पर न्यूज को, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने न्यूज को सेगमेंट्स में बांट रखा है, नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, अग्रीमेंट, विजिट्स, चाहे वो स्पोर्ट्स की बातें हो, साइंस, टेक्नोलॉजी या डिफेंस की बातें हो, तमाम उन बातों के ऊपर नजर रखेंगे जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो समय को जाया नहीं करेंगे और आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग विश करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, उसी के चलते हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, 7, 8, 9 जुलाई की खबरों की तरफ। और ये रहा पहला न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आज का सेगमेंट आप क्या देखिएगा, क्या नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने आपके लिए यहां पर कैटेगराइज किया है। नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय खबर, पहली खबर, इंडियन वॉरशिप आईएनएस त्रिकंड रीचेज श्रीलंका इन गुडविल विजिट। भारतीय युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड गुडविल दौरे पर श्रीलंका पहुंचा, मतलब गुडविल दौरा मतलब सद्भावना यात्रा, सद्भावना यात्रा गुडविल विजिट के ऊपर श्रीलंका पहुंचा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आपसे, मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इंडिया का कौन सा युद्धवाहक या आईएनएस जो है रिसेंटली गुडविल विजिट पर श्रीलंका विजिट करके आया है या श्रीलंका पहुंचा है सद्भावना यात्रा। तो आपको आंसर देना है इंडियन नेवल शिप आईएनएस त्रिकंड। और आगे चलते हैं, इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंडियाज लेटेस्ट फ्रंट लाइन वॉरशिप आईएनएस त्रिकंड हैज रीच्ड श्रीलंका इन अ गुडविल विजिट। श्रीलंका नेवी सेरेमनी वेलकम द स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप इन अकॉर्डेंस विद नेवल ट्रेडिशंस। तो वहां पर बहुत ही सेरेमनी के अंदर एक समारोह आयोजित हुआ श्रीलंका की तरफ से और वहां का जो एक नेवी, नौसेना का जो ट्रेडिशन है श्रीलंका के अंदर, उसी के द्वारा हमारे भारत के इस अत्याधुनिक जहाज का उन्होंने स्वागत किया। तो आईएनएस त्रिकंड इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप। स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप का मतलब क्या होता है, अत्याधुनिक जहाज ऑफ द इंडियन नेवी इक्विप्ड विद अ वर्सटाइल रेंज ऑफ वेपन्स एंड सेंसर्स कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग थ्रेट्स इन ऑल 3 डायमेंशंस, एयर, सर्फेस एंड सब सर्फेस। तो यहाँ पर इसके अंदर सेंसर्स मौजूद हैं, सबसे आधुनिक सेंसर्स मौजूद हैं जो एयर, सर्फेस और सब सर्फेस के ऊपर आपको सचेत करेगा। और वेपन्स जो है वो आधुनिक वेपनों के साथ ये बिल्कुल लोडेड है। तो आपको नाम क्या याद रखना है, आईएनएस त्रिकंड, जो कौन से देश के गुडविल विजिट पे गया है, तो श्रीलंका। तो इसी के साथ हम बात करेंगे अबाउट श्रीलंका, क्विक फैक्ट्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल्स जो है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, श्रीलंका की ऑफिशियल कैपिटल इज नाउ श्री जयवर्धने पूरा कोटे। श्री जयवर्धने पूरा कोटे इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज सिंगलीज और तमिल। सिंगली लोग जो है, सिंगली कम्युनिटी जो है श्रीलंका में बहुतायत पाई जाती है और तमिल लैंग्वेज भी वहां पर बहुत मात्रा में बोली जाती है। करेंसी इज रूपी एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज मैत्रीपाला सिरिसेना। आगे चलेंगे हम नेशनल न्यूज की अगली खबर की तरफ, इंडिया टू ऑपरेट वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट्स इन श्रीलंका। अगेन श्रीलंका की खबर और श्रीलंका से जुड़ी हुई खबर ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। तो इंडिया टू ऑपरेट वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट इन श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका में करेगा दुनिया के सबसे खाली हवाई अड्डे का संचालन। एक टैग मिला हुआ है, मतलब श्रीलंका के अंदर एक हवाई अड्डा है जिसको एक टैग मिला हुआ है एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट का, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वहां पर बहुत कम है, लेकिन भारत जो है श्रीलंका के साथ मिलकर उसको ऑपरेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। द मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखिए उस एयरपोर्ट का क्या नाम है श्रीलंका के अंदर, मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वुड बी ऑपरेटेड एज अ श्रीलंका इंडिया ज्वाइंट वेंचर। तो श्रीलंका इंडिया ज्वाइंट वेंचर जो है उसके समक्ष ये चलाया जाएगा और $210 मिलियन की फैसिलिटी के साथ
241 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ कोलंबो, कोलंबो से 241 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में यह स्थित है मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इज डब्ड द वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट ड्यू टू लैक ऑफ फ्लाइट्स। और इसको क्या कहा जाता है, दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट कहा जाता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लाइट्स बहुत कम है। तो इंडिया वुड ऑपरेट द एयरपोर्ट एज अ श्रीलंका इंडिया ज्वाइंट वेंचर, और इंडिया इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करेगा एज अ श्रीलंका और इंडिया ज्वाइंट वेंचर के तहत। द ज्वाइंट वेंचर वुड सी इंडिया गेन अ मेजर स्टेक ऑफ द एयरपोर्ट, करंटली इट इज रनिंग अ मैसिव लॉस ऑफ रुपीज 20 बिलियन, और रुपीज 20 बिलियन का एक घाटा सह रहा है ये एयरपोर्ट, जहां पर इंडिया श्रीलंका के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट की स्थिति सुधारने की कोशिश करेगा। देन हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI टू सेटअप सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन के तौर पर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सेटअप सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी सिविल का सी, एविएशन का ए, रिसर्च का आर, ऑर्गेनाइजेशन का ओ, CARO, कैरो या कारो। तो AAI टू सेटअप सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद, तो हैदराबाद में नगर विमानन अनुसंधान संगठन की स्थापना करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, द स्टेट रन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल सेटअप अ स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब बड़ा अत्याधुनिक सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर कैरो एट हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट। तो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट के ऊपर ये कैरो नाम का सेंटर बनाया जाएगा, जिसका पूरा नाम क्या है, सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड इंडिजीनियस सॉल्यूशन टू मीट द चैलेंजेस पोस्ड बाय द ग्रोइंग एयर ट्रैफिक। तो यहां पर स्वदेशी तकनीक के साथ, स्वदेशी तकनीक को डेवलप किया जाएगा कि किस तरह से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके और उसकी जो समस्या है उससे निजात और निदान किस तरह से मिल सके, रेमेडी कैसे मिल सके एयर ट्रैफिक से, उसकी भी बात की जाएगी। देन ये एनहांस करेगा सेफ्टी को, एयर सेफ्टी को एनहांस करेगा, उसको बढ़ाएगा, कैपेसिटी को बढ़ाएगा, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और ऑपरेशंस जो है हमारे कंट्री के अंदर एयर ऑपरेशंस, इसको और अच्छे तरीके से चलाने का जिम्मा जो होगा वो सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। जहां पर इसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो उद्घाटन किया यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी। सुरेश प्रभु जी सिविल एविएशन मिनिस्टर के साथ साथ कमर्स और इंडस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। 1200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर एयर इंजीनियरिंग का काम किया जाएगा और एयर नेविगेशन का काम भी जो है यहां पर किया जाएगा। तो रिसर्च और तमाम शोध किए जाएंगे किस पर्पज से, कि हमारे इंडिया का इंडिजीनियसली जो है एक डेवलप हो सके, एयरपोर्ट का एक सुधार आ सके, एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सुधार आ सके। इसी के साथ हम बात करेंगे अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पर ऊपर के हेडलाइन से ना जाइएगा, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, IBBI की बात नहीं करेंगे हम, अबाउट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज गुरु प्रसाद मोहपात्रा। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, न्यू दिल्ली के अंदर। फाउंडेड कब हुआ, 1 अप्रैल 1995, और इसका मोटो क्या है, सर्विस विद सिक्योरिटी। तो मैं आपसे फिर बोलता हूं, बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि ऊपर का हेडलाइन जो है उसे आप इग्नोर करिएगा, अबाउट AAI की बात हो रही है यहां पर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसके करंट चेयरमैन कौन है, गुरु प्रसाद मोहपात्रा। हेडक्वार्टर कहां पर इसका, न्यू दिल्ली के अंदर। फाउंडेड कब हुआ, 95 में। मोटो क्या है, सर्विस विद सिक्योरिटी। आगे चलेंगे नेशनल न्यूज की अगली खबर, फर्स्ट मीटिंग ऑफ ई कॉमर्स टास्क फोर्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुई ई कॉमर्स टास्क फोर्स की पहली बैठक। तो ई कॉमर्स के ऊपर अप्रैल महीने में, ध्यान से सुनिएगा इस खबर को, सुरेश प्रभु कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था अप्रैल महीने में ई कॉमर्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ये जो बिजनेस है आज की डेट में एक उभरता हुआ बाजार है, और जहां पर ई कॉमर्स के अंदर और भी संभावनाओं को तलाशने के लिए नेशनल पॉलिसी बनाने की बात को लेकर एक बैठक हुई थी अप्रैल महीने में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में, और उसके टास्क फोर्स का पहला मीटिंग जो है वो हेल्ड हुआ है कहां पर, न्यू दिल्ली में। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट, इस खबर को डिटेल में पढ़ते हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी, तो वाणिज्य सचिव कौन है, रीता त्योतिया चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द टास्क फोर्स ऑन ई कॉमर्स इन न्यू दिल्ली। द मीटिंग डेलिबरेटेड अपॉन द सजेशन इमर्जिंग फ्रॉम द सब ग्रुप मीटिंग्स हेल्ड इन जून 2018।
सजेशन, तो सुझाव मांगने के लिए कि ई कॉमर्स सेक्टर्स को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए रिकमेंडेशंस और सजेशंस को लेकर यह मीटिंग आई है, जहां पर बहुत सारे इश्यूज को टच किया जाएगा, बहुत सारे मुद्दों को छुआ जाएगा। कौन कौन से? क्रॉस बॉर्डर डेटा फॉलोस। तो क्रॉस बॉर्डर मतलब आपको पता है कि ई कॉमर्स जो है ये आज की डेट में एक कंट्री के अंदर बंधा हुआ नहीं रहकर ये पूरे ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो है। तो यहां पे डेटा जो है उसका फ्लो जो है उसे भी मैनेज करना पड़ेगा। टैक्सेशन की बात करने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिक, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और कंपटीशन इशू। तो मतलब देखिए किसी भी बिजनेस को आने वाले सभी चैलेंजेस की बात हुई इस टास्क फोर्स में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? कमर्स सेक्रेटरी रीता तियोतिया। और ये मीटिंग कहां पर हुई? तो न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपके कमेंट्स की तरफ आते हैं और आपके कमेंट्स के बाद हम बढ़ चलेंगे अगली खबर की तरफ। कुछ खबरें ऐसे ही है और उसके बाद आपके फेवरेट जोन की तरफ जिसका नाम है क्विज, और क्विज की तरफ जरूर जुड़े रहिएगा। और आपको क्या करना है तो इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और यहां पर हमारे साथ बहुत 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 बढ़िया सभी स्टूडेंट्स जो हैं जुड़ चुके हैं। चलिए बहुत खूब बहुत खूब यहां पर चलिए। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इसी तरह से रोज जुड़ते हैं। और उसके बाद हम बढ़ चलते हैं अगली खबर की तरफ और आप अपना काम करते रहिए, मतलब कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए। और यहां पर कुछ देर के बाद हम क्विज को अटेंड करेंगे तो उसके अंदर भी आपकी पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बनी रहनी चाहिए। तो इट वॉज डिसाइडेड टू सेट अप अ टास्क फोर्स इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ थिंक टैंक ऑन द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स हेल्ड इन अप्रैल 2018 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुरेश प्रभु। तो ये बात हम कर चुके हैं। तो नेशनल न्यूज की अगली खबर की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर और सट्टेबाजों के लिए शायद खुशखबरी हो सकती है कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया कि सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। अभी रिकमेंडेशन आया है, अभी सुझाव आया है, कानून नहीं बना अभी इसके ऊपर। तो लॉ कमीशन रिकमेंड्स रेगुलेटिंग बेटिंग। कानून आयोग ने बेटिंग मतलब सट्टेबाजी को विनियमय करने की सिफारिश करी है, नियंत्रित करने की सिफारिश करी है कि क्यों ना बेटिंग को, सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता दे दी जाए, जिससे कौन कौन से फायदे हो सकते हैं उसे हम देख सकते हैं, यहां पे पढ़ सकते हैं। द लॉ कमीशन रिकमेंडेड दैट गैम्बलिंग एंड बेटिंग ऑन स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग क्रिकेट बी अलाउड एज रेगुलेटेड एक्टिविटीज टैक्सेबल अंडर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम्स एंड यूज्ड एज अ सोर्स फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो क्यों ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को हम बेटिंग के दायरे में ले आए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर नेगेटिव मत ले जाइएगा। बेटिंग का मतलब क्या है? देखिए इंग्लैंड जैसे देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर, अमेरिका जैसे देश के अंदर बेटिंग अलाउड है, मतलब दर्शक जो है बाहर बैठकर बेटिंग कर सकते हैं। जैसे हॉर्स रेसिंग के ऊपर, हॉर्स रेसिंग के ऊपर जिस तरह से बेटिंग की जाती है, खिलाड़ियों को इन्वॉल्व नहीं करना है, प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना इज अ इलीगल थिंग, लेकिन प्लेयर को इन्वॉल्व किए बिना दर्शक जो है वो मैच के ऊपर बेटिंग कर सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं, उसको मान्यता देने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सिफारिश भेजी है लॉ मिनिस्ट्री को, जिसके अंदर उन्होंने तमाम संभावनाओं को यहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से उसको हम टैक्स के दायरे में ला सकते हैं, FDI को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और कमीशन का जो रिपोर्ट है, लीगल फ्रेमवर्क गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया रिकमेंड्स अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द लॉ फॉर रेगुलेटिंग बेटिंग एंड जनरेटिंग टैक्स रेवेन्यूज फ्रॉम इट। देखिए रोक तो हम पा नहीं रहे, क्यों ना इसको एक इनकम का सोर्स बना लिया जाए, जैसे विकसित देशों ने बनाया है, डेवलप्ड देशों ने बनाया है। और इसके अंदर क्या होगा, तो इन केस लेजिस्लेशन इज मेड अंडर आर्टिकल 252 स्टेट्स अदर देन द कंसेंटिंग स्टेट्स विल बी फ्री टू अडॉप्ट द सेम। तो 252 आर्टिकल के अंदर बनाया जाएगा, जहां पर सेंट्रल के द्वारा अगर ये डिसीजन लिया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये छूट रहेगी कि उस लॉ को अपनाए या ना अपनाए। द कमीशन हैज आल्सो रिकमेंडेड लिंकिंग आधार और पैन कार्ड। तो बेटर्स के साथ जो सट्टेबाज होंगे उनका अकाउंट जो है वो आधार और परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे एक इंडिविजुअल भी अगर लिप्त होगा सट्टेबाजी में तो पता चल सकेगा गवर्नमेंट को कि वो कितना पैसा कमा रहा है, चाहे वो कैश कमा रहा है चाहे वो ऑनलाइन कमा रहा है। लेकिन अगर वो कमा रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा और वो पैसों की हेर फेर करके मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकता है, जिससे देश को भारी नुकसान उठाना पड़े। तो यहां पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक महज रिकमेंडेड बॉडी है, रिकमेंडेशन बॉडी है, जो सिर्फ सुझाव देता है लॉ मिनिस्ट्री को, बाकी का काम लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर कि उनके सुझाव को माने
या ना माने। तो यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, आजादी के बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया, आजादी से पहले भी था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए फ्रॉम बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी से पहले हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले जो पहला लॉ कमीशन था ब्रिटिशर्स के अंदर, उनके पहले चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हेडक्वार्टर कहां पर इसका, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पहले चेयरमैन थे लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, एमसी सीतलवाड़। और प्रेसिडिंग एग्जीक्यूटिव मतलब 20th लॉ कमीशन, जो 20वां लॉ कमीशन जो अभी पीछे गया था, उनके चेयरमैन कौन थे, अजीत प्रकाश शाह, एपी शाह। और मिनिस्ट्री कौन है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। करंटली कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है, तो 21st लॉ कमीशन। तो देखिए अभी करंटली एट प्रेजेंट कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है, तो उसका नाम है 21st लॉ कमीशन, और उसके चेयरमैन कौन है, तो जस्टिस रिटायर्ड बलबीर सिंह चौहान, बी एस चौहान इज द करंट चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, इंटरनेशनल न्यूज, नेपाल इंडिया टू ज्वाइंटली प्रमोट टूरिज्म। इंटरनेशनल खबर, अंतरराष्ट्रीय खबर, नेपाल भारत संयुक्त रूप से देंगे पर्यटन को बढ़ावा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, तो इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द सेकंड मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कंक्लूडेड इन काठमांडू नेपाल। बोथ साइड्स अग्रीड टू ज्वाइंटली प्रमोट बुद्धिस्ट एंड रामायण सर्किट्स एंड एडवेंचर टूरिज्म। तो यहां पर जो ये दोनों साइड है, इंडिया नेपाल, अपने एंशियंट चीजों को देखते हुए टूरिज्म के अंदर उन्हीं चीजों को प्रमोट करेगा। एज वी ऑल नो कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, नेपाल में। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपाल के किस जगह पर पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध, वहां उनका अवतरण, उनका अवतार कहां पर हुआ था। तो आपको बर्थ प्लेस का नाम बताना है, महात्मा बुद्ध के बर्थ प्लेस का नाम, जो नेपाल में है। तो बोथ साइड्स अग्रीड टू ज्वाइंटली प्रमोट बुद्धिज्म एंड रामायण सर्किट्स एंड एडवेंचर टूरिज्म। The meeting also decided to set up an industry-led India-Nepal tourism forum. The Indian delegation was led by the Joint Secretary Ministry of Tourism, Suman Billa, while Nepalese side was led by Joint Secretary Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Ghanshyam Upadhyay. तो दोनों तरफ से संयुक्त सचिव ने इस मीटिंग को हेल्ड किया काठमांडू के अंदर, और टूरिज्म के ऊपर बात करी। तो यहां पर हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, तो केपी शर्मा ओली, खड़क प्रसाद शर्मा ओली इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। विद्या देवी भंडारी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, एंड नेपाली रुपया इज द करेंसी ऑफ नेपाल, एंड काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। और यहां पर बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, एंड लुम्बिनी, एब्सोल्युटली राइट, लुम्बिनी इज द करेक्ट आंसर, बहुत करेक्ट आंसर आप लोगों का, बिल्कुल सही उत्तर लुम्बिनी। और अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग विश करता हूं, और अगली खबर की तरफ चलता हूं, और इंटरनेशनल न्यूज की अगली खबर, और यूएन मेंबर स्टेट्स अप्रूव US $6.69 बिलियन फॉर 13 पीस कीपिंग ऑपरेशन। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 13 शांति कार्य संचालन के लिए 6.69 अरब अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। तो यहां पर द यूएन मेंबर स्टेट्स हैव अप्रूव्ड अ 6.69 बिलियन यूएस डॉलर बजट फॉर 13 पीस कीपिंग ऑपरेशन, की शांति को बरकरार रखने के लिए 13 राज्यों ने मंजूरी दी है, कितने अमेरिकी डॉलर की, तो 6.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फॉर द ईयर 2018-19। इट इज द सेकेंड ईयर इन अ रो द कमेटी हैज मेड सिग्निफिकेंट कट्स। तो ये कट है, मतलब अभी इससे ज्यादा अमाउंट जाता था, लेकिन कमेटी ने अमाउंट में कटौती की है। और द कमेटी आल्सो अप्रूव्ड सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिपार्टमेंट्स फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स एंड 4 स्टैंड अलोन डिविजन्स फॉर अफ्रीका। तो अफ्रीका के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट्स की स्थापना करी है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर है यूएनओ के अंदर, मतलब चंदा देने वाला सबसे बड़ा देश है यूएसए। देन अगर बात करें अबाउट यूएनओ, तो एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यहां पर गौर फरमाइएगा, एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। गौर फरमाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए टेक्निकल एरर और टाइपिंग एरर इज एन अनदर थिंग,
इसमें ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हो जाता है जब मोर देन 70-80 स्लाइड्स हों तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पर सुनिए, अगर ऑडियो विजुअल दोनों है तो सुनना भी आपका फर्ज बनता है। एंटोनियो गुटेरेस इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पुर्तगाल के, पोर्चुगल पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO? SSC का एग्जाम आने वाला है और उसके अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, और UNO का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। आगे चलेंगे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, अंतरराष्ट्रीय खबर की तरफ। यूनियन HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर टू इनागुरेट 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस इन वैंकूवर। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर वैंकूवर में 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कि आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि बताइए 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2018 कहां पर आयोजित हुआ? वैंकूवर, कैनेडा। वैंकूवर, कैनेडा। और इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर विल इनागुरेट द 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट वैंकूवर, कैनेडा फ्रॉम 9 जुलाई, मतलब आज ही से लेकर 13 जुलाई 2018 तक। मोर देन 500 स्कॉलर्स एंड डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सचेंज देयर नॉलेज बाय प्रेजेंटिंग पेपर्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉलोड बाई डिस्कशंस फ्रॉम अंगमंगस दी मेंबर्स। तो यहाँ पर 500 से ज़्यादा स्कॉलर्स जो हैं और डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आपको सिंपल ये याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है, तो वैंकूवर, कैनेडा के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इसका पर्पस क्या रहा? द पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू प्रमोट, प्रिजर्व एंड प्रैक्टिस द संस्कृत लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल। सबसे एंशियंट और सबसे पहला लैंग्वेज अगर कहा जाता है तो वो संस्कृत लैंग्वेज को कहा जाता है, तो उसको प्रिजर्व कैसे रखा जा सके और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सके, जो इंडेंजर्ड एक लैंग्वेज है, विलुप्त होने वाली लैंग्वेज है, मतलब बहुत कम तादाद रह गया है कि जो सबसे पुरानी और सबसे सटीक भाषा थी वो बहुत कम बोली जाती है। द वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब वंस इन एवरी 3 ईयर्स एंड सो फार इट हैज बीन हेल्ड थ्राइस इन इंडिया। तो हर 3 सालों के बाद ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया जाता है और आज तक इंडिया में ये 3 बार आयोजित हुआ है। बिसाइड्स द मिनिस्टर 10 स्कॉलर्स एंड 2 ऑफिसर्स आर पार्ट ऑफ द इंडियन डेलीगेशन पार्टिसिपेटिंग इन द 17th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर और भी डेलीगेट्स जो है हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे और आप लोगों का आंसर जो है आना शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। यहाँ पर चलिए, बहुत खूब, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। और इसी के साथ त्रिगवेली इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO वॉज त्रिगवेली, जो नॉर्वे से बिलोंग करते थे, नॉर्वे से बिलोंग करते थे। त्रिगवेली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। तो संस्कृत की बात चल रही थी, संस्कृत सबसे सटीक लैंग्वेज कैसे है, तो कहा जाता है कि कंप्यूटर अगर किसी भाषा को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है तो वो संस्कृत को पढ़ सकता है। और ऐसा क्यों? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन मैंने सुना था, तो शेयर कर लेता हूँ आपके साथ कि संस्कृत इतनी सटीक भाषा क्यों है। उसका कारण ये है कि संस्कृत के अंदर हर एक शब्द का अपना उच्चारण है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि संस्कृत के अंदर हर एक शब्द का अपना उच्चारण है। कंप्यूटर क्यों नहीं इंग्लिश को उतने अच्छे से पकड़ सकता है जितने अच्छे से वो संस्कृत को पकड़ सकता है? उसका कारण ये है कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर आप नो कहिएगा, नो, तो वो NO भी हो सकता है, KNOW नो भी हो सकता है। तो कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा, जब तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर ना बन जाए तो तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि ये नो कौन से वाला नो बोला है वहां पर। लेकिन संस्कृत के अंदर हर एक चीज का स्पष्ट और सटीक उच्चारण है और ये बहुत ही एक्यूरेट लैंग्वेज है जिससे बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ। इस वजह से कहीं ना कहीं संस्कृत को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वैंकूवर, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर की तरफ, अपॉइंटमेंट की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल अपॉइंटेड NGT चेयरपर्सन। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो बने हैं, हु रिटायर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
NGT. He has been appointed to the position for a term of 5 years as per an order issued by the personal ministry. तो यहाँ पर 5 सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई है. 6 महीनों से ये पोस्ट खाली था और इनसे पहले कौन थे? जस्टिस स्वतंत्र कुमार. जस्टिस स्वतंत्र कुमार इनसे पहले अध्यक्ष थे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के और अभी कौन बनाए गए हैं? आदर्श कुमार गोयल. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जान लेते हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्टैब्लिश हुआ? 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग. जो क्या काम करता है? तो हमारे इंडिया में पर्यावरण इन्वायरमेंट को लेकर जितने भी इश्यूज हैं आप डायरेक्टली कोर्ट ना जाकर एनजीटी मूव कर सकते हैं. मतलब कोर्ट जाने की आपको आवश्यकता नहीं है. और एनजीटी जो है स्पेसिफिकली जो है मुख्यतः जो है वो किस मैटर को डील करेगा? एनवायरमेंट और क्लाइमेट से जुड़े हुए सभी इश्यूज को वो डील करेगा और कोर्ट की तरह उसके फैसले मान्य होंगे. आगे चलेंगे डिफेंस रक्षा की खबर की तरफ. एनएसजी बिकम्स फर्स्ट सेंट्रल फोर्स टू ऑप्ट फॉर ई टिकटिंग इंस्टेड ऑफ रेलवे वारंट. एनएसजी रेलवे वारंट के बजाय ई टिकटिंग का चयन करने वाला एक सेंट्रल और पहला सेंट्रल फोर्स बना. द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड विल बी द फर्स्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स टू ऑप्ट फॉर ई टिकटिंग इंस्टेड ऑफ रेलवे वारंट अंडर एन अग्रीमेंट साइंड विद IRCTC. एन MOU वॉज साइंड बिटवीन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एंड द एनएसजी at the headquarters of Special Force New Delhi. This system will eliminate the need for carrying railway warrants by NSG personnel. तो देखिए जितने भी government employees होते हैं paramilitary military के जो personnels होते हैं उनको एक railway warrant नाम का, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, railway warrant नाम का एक voucher भरना पड़ता है और उस voucher को भरने के बाद वो railway के अंदर free यात्रा कर सकते हैं, मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर voucher भरने की अब जरूरत नहीं है NSG को और वो e-ticketing, electronic ticketing ले सकते हैं IRCTC से और वहां पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन को भरकर मुफ्त सेवा का सुख उठा सकते हैं. और ऐसा करने वाला फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स बना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG. तो देखिए रेलवे वारंट इज अ वाउचर इश्यूड फॉर ट्रेन ट्रेवल फॉर सर्टेन कैटेगरीज सच एज गवर्नमेंट इंप्लॉइज सिक्योरिटी फोर्स पर्सोनल एंड रिटायर्ड एट सब्सिडाइज रेट्स और फ्री ऑफ चार्ज एक्सचेंजेबल फॉर अ टिकट. और इसके अलावा About NSG, NSG is Federal Contingency World Class Zero Error Force to deal with anti-terrorist activities in all its manifestation. और ये establish हुआ था 84 में and Sudeep Laktakia is the present Director General of NSG. तो National Security Guard का गठन ही हुआ था कि आतंकवादियों का विरोध करना और आतंकवादियों का सफाया और खात्मा करना. Then banking news की तरफ बढ़ेंगे. HDFC Bank most valuable bank in emerging market outside China. तो China को छोड़कर HDFC Bank जो है इस area के अंदर सबसे ज्यादा valuable bank बना है, मूल्यवान bank बना है. तो HDFC Bank चीन के बाहर उभरते बाजार में सबसे मूल्यवान bank बना है. तो ये बहुत important news. HDFC Bank has gone past Russia's Sber Bank to become the most valuable bank. तो रशिया के शबर बैंक को पीछे छोड़ते हुए HDFC बैंक इस रीजन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर सबसे वैल्यूएबल बैंक बन चुका है चाइना को छोड़कर. इन द इमर्जिंग मार्केट आउटसाइड चाइना HDFC बैंक करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन और इनका बाजारी पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन कितना है? तो $78.4 billion अगेंस्ट शबर बैंक $74.4 billion. चाइनीज बैंक आर लीडिंग the pecking order in the emerging market with Industrial and Commercial Bank of China topping the list with a market capitalization of $273.4 billion way ahead of India's HDFC Bank. तो बहुत आगे है चाइना का बैंक $273.4 billion. और globally अगर पूरे विश्व में बात करें तो अमेरिका का JP Morgan Chase is the most valuable with market capitalization of $353 billion. और JP Morgan Bank जो है अमेरिका का वो सबसे ज्यादा valuable बैंक है with $353 billion. उसके बाद नंबर आता है बैंक ऑफ अमेरिका का with $282 billion. एंड देर आर 4 leaders फ्रॉम इंडिया दैट नाउ रैंक अमंग द वर्ल्ड 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज. और कितने बैंक्स आते हैं? 4 banks आते हैं, 4 companies आती हैं जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है. कौन कौन सी हैं? तो HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. इसी के बाद हम आगे चलेंगे HDFC बैंक के बारे में जानते हैं. HDFC बैंक इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है? आदित्य पुरी. हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेबल्ड HDFC एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, इन अदर वर्ड्स टू बिग टू फेल. मतलब RBI ने कुछ बैंकों को लेबल किया है
टू बिग टू फेल, मतलब इतने बड़े हैं कि ये जल्दी फेल होने वाले नहीं हैं। तो ये लेबल मिला हुआ है HDFC बैंक को, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। बिजनेस न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन प्राइवेट सेक्टर। RIL निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा करदाता बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी एट द रिलायंस इंडस्ट्रीज 41st एनुअल जनरल मीटिंग। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान इस बात को रखा कि सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर पे करने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो कंपनी बना है। विद कितना इनकम टैक्स उन्होंने दिया, तो ₹9844 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2018। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में 9844 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 9900 करोड़ का उन्होंने टैक्स दिया। और रिलायंस हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिकॉर्ड PBDIT प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब एक ऐसा लाभ जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और टैक्सेस को घटाया नहीं गया है, तो उनका प्रॉफिट कितना बैठता है, $10 बिलियन से ऊपर जाने वाला पहली इंडियन कंपनी बनी जिसका प्रॉफिट डेप्रिसिएशन और टैक्सेस को अभी नहीं घटाया गया है, और उसको जोड़ने के बाद ही ये $10 बिलियन से इनका ज्यादा प्रॉफिट बनता है। रैंकिंग के न्यूज की तरफ चलेंगे। मार्क जकरबर्ग बिकम्स वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन। मार्क जकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और फेसबुक इनकॉर्पोरेशन को फाउंडर मार्क जकरबर्ग हैज ओवरटेकन वॉरेन बफे। तो वॉरेन बफे को उन्होंने तीसरे स्थान से हटा दिया है और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं तीसरे नंबर के। पहले नंबर पे है अमेजॉन के जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, और तीसरे नंबर पे फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले तीन स्थानों पर टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। अमेजॉन भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो ई कॉमर्स का काम करती है, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी, और थर्ड फेसबुक भी एक टेक्नोलॉजिकल जायंट। तो यहाँ पर तीनों जो है टेक फील्ड से जुड़े हुए, और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ चलेंगे। इंडियाज डाला बेहरा बैक्स ब्रॉन्ज इन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में भारत के डाला बेहरा ने जीता कांस्य पदक। तो ऐसा करने वाली वो दूसरी भारतीय बनी है। इंडियन लिफ्टर झिली डाला बेहरा हैज बैग द ब्रॉन्ज मेडल इन द 2018 IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एट ताशकंत, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंत के अंदर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के अंदर झिली डाला बेहरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 48 kg कैटेगरी के अंदर। और हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सहदेव यादव का कहना है कि साइखौम मीराबाई चानू के बाद ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला बनी है, दूसरी खिलाड़ी बनी है। देन स्पोर्ट्स की अगली खबर की तरफ चलेंगे। अंजू खोसला ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट आयरन मैन ट्राइथलॉन। तो मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि आयरन मैन ट्राइथलॉन कॉम्पिटिशन बहुत ही टफेस्ट कॉम्पिटिशन है, और यहां पर अंजू खोसला आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है, जो 52 ईयर्स की है, 52 ईयर्स ओल्ड। और इन्होंने ट्राइथलॉन के अंदर तीन कॉम्पिटिशन होते हैं। पहली होती है स्विमिंग तैराकी 3.86 किलोमीटर की, उसके बाद होती है साइकिलिंग 180 किलोमीटर की साइकिलिंग, और उसके ठीक बाद 42.2 किलोमीटर का एक मैराथन दौड़ होता है। और उन तीनों को कंप्लीट करने वाली अंजू खोसला जो है सबसे उम्रदराज भारतीय बनी है। अंजू खोसला ओल्डेस्ट वुमेन टू कंप्लीट ट्राइथलॉन आयरन मैन कॉम्पिटिशन। आगे चलेंगे अगली खबर की तरफ, स्पोर्ट्स की खबर। अगली खबर, तबिलिसी ग्रैंड प्री जॉर्जिया बजरंग पूनिया विंस गोल्ड दीपक ब्रॉन्ज। तबिलिसी जॉर्जिया की कैपिटल, जॉर्जिया एक देश है यूरेशिया के अंदर, यूरोप और रशिया के अंदर, और उसका नाम क्या है, तबिलिसी ग्रैंड प्री जॉर्जिया कंपटीशन के अंदर वे रेसलर जो हमारे बहुत ही फाइन कुश्ती लड़ने वाले हैं दीपक ने जीता है ब्रॉन्ज, और बजरंग पुनिया ने वहां पर गोल्ड मेडल जीता है। तो बजरंग पुनिया इमर्ज चैंपियन एट तबिलिसी ग्रैंड प्री इन द 65 kg कैटेगरी आफ्टर आउट प्लेइंग ईरानियन रेसलर मेहरान नसीरी इन द फाइनल इन जॉर्जिया। ईरान के पहलवान को हराकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी, और इसी के साथ दीपक पुनिया ने भी यहां पर क्या जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन बजरंग पुनिया का नाम सबसे ऊपर याद रखिएगा। जॉर्जिया की कैपिटल दो है, तबिलिसी और कुतैसी, और करेंसी इज जॉर्जियन लारी। आगे बढ़ेंगे
और स्पोर्ट्स की खबर, कल का न्यूज, कल रात की खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, रोहित शर्मा सेंचुरी हेल्प्स इंडिया क्लिंच T20 इंटरनेशनल सीरीज। तो इंग्लैंड के साथ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज, जिसको भारत ने कल हुए मतलब फाइनल मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि पहले 1-1 से बराबर था। तीसरा मुकाबला भारत ने चेज करते हुए 200 रनों को ऑलमोस्ट चेज किया, जिसमें रोहित शर्मा ने 100 मारा, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी और भारत ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। इससे पहले आयरलैंड को भी हमने हराया 2 मैचेस की T20 सीरीज में, उसके बाद इंग्लैंड को हमने हराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अब बढ़ते हैं आपके फेवरेट जोन की तरफ, जिसका नाम है क्विज। कीप काम एंड लेट्स प्ले क्विज, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जल्दी से चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमन टू कंप्लीट एन आयरन मैन ट्राइथलॉन? आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बन गई है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा और बहुत खूब आप लोगों का पार्टिसिपेशन, चलिए बहुत खूब। टेक्निकल टीम से कहूंगा कि साउंड की प्रॉब्लम को थोड़ा ठीक किया जाए। और यहां पर कोई बात नहीं, यहां पर आप क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर करिए, बहुत बढ़िया। अब तो साउंड की उतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आंसर देते रहना इसका। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज अंजू खोसला, इज द करेक्ट आंसर। अंजू खोसला इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स टू ऑप्ट फॉर ई टिकटिंग इंस्टेड ऑफ रेलवे वारंट? रेलवे वारंट के बजाय ई टिकट चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला केंद्रीय अर्धसैनिक बल बन जाएगा? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहां पर। बहुत खूब, बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। योगेश, कौमिला, खुशबू, कीर्ति, दीपक, चलिए सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर यहां पर आ चुका है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच कंट्री टू ऑपरेट श्रीलंका's लॉस मेकिंग मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हम्बनटोटा? श्रीलंका के हम्बनटोटा में घाटे में चल रही मटाला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कौन सा देश करेगा? तो यहां पर बहुत खूब, थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए यहां पर। बहुत खूब, यहां पर थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। और ये रहा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैरो विल बी सेट अप एट विच एयरपोर्ट बाय द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कैरो सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां पर सेटअप होगा? जल्द से जल्द इसका उत्तर दीजिएगा। और
तो स्वागत है आप लोगों का फिर से यहाँ पे। ना मैं पानी गया था, ना पसीना पोंछने गया था, ना चाय पीने गया था, आप लोगों की सुविधा के लिए साउंड को बढ़वाने गया था और उसके बाद मैं हाजिर हूँ। और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। और पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। और यहाँ पर बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत बहुत खूब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन। जल्द से जल्द यहाँ पे जुड़िए हमारे साथ और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। अश्विन पहला उत्तर दे रहे हैं और श्वेता, सीमा, अश्विन, संतोष, बहुत बढ़िया। तो साउंड प्रॉब्लम की समस्या को दूर करने के लिए हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और पांचवें क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही उत्तर जो है वो आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। और बिल्कुल सही, आदर्श कुमार गोयल बी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। जब भी आप टीवी देखते हो तो वहां पर BCCC का एक बैनर नीचे चला होता है कि अगर आपको इस कार्यक्रम से कोई शिकायत है तो आप उसका कंप्लेंट BCCC के पास दे सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसके न्यू मेंबर अभी रिसेंटली कौन बने हैं। तो आज के सेशन में तो ये नहीं था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण ये क्वेश्चन हमने रखा है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आदर्श कुमार गोयल वॉज द राइट आंसर फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको आंसर देना है छठे क्वेश्चन का। और सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा और जल्दी से इसका उत्तर दिखा देते हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उदय के वर्मा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज उदय के वर्मा। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन प्राइवेट सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा करदाता बन गई है। सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और सातवें क्वेश्चन का भी आंसर अवंतिका, रोशन, शुभ्र ज्योति, कौमिला, जूही, श्वेता, हरजोत कौर संधू, योगिता रावत, खुशबू कुमारी, विकास यादव, रिया कुमारी, बहुत खूब, शिशिर कुमार, रोहिणी, ए बी, श्वेता, बहुत बढ़िया आप सभी का, सुमित, मदोत्रा, बिट्टू, शिंची, संतोष, आप लोगों का आंसर बहुत खूब। और सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो है सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली कंपनी बन गई है, भारत की निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और आठवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बिकम मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन द इमर्जिंग मार्केट आउटसाइड चाइना। चीन के बाहर उभरते बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहां पर। और बहुत खूब आप लोगों का पार्टिसिपेशन। और एट क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जो है आना शुरू हो चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। और एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर फॉर एट क्वेश्चन। नाइन क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और ये रहा नाइन क्वेश्चन। बजरंग पुनिया हैज क्लिंच्ड गोल्ड इन विच वेट कैटेगरी एट द 2018 TBC ग्रैंड प्री। बजरंग पुनिया जो बहुत ही फेमस पहलवान है, उन्होंने रिसेंटली TBC ग्रैंड प्री में सोना जीता है कुश्ती के मुकाबले में, किस वेट कैटेगरी के अंदर। और नौवें क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा फटाफट आना शुरू हो चुका है। मुकेश, खुशबू, गोपीनाथ, वर्षा, कुलबीर, हरजोत कौर संधु, श्वेता, कैलाश, कुलबीर, बहुत बढ़िया आप सभी का, अनिमेश कुमार, अब्दुल लाला, अंकित राघव, मुमल राठौर, वर्षा, विकास, हरजिंदर, नागेश्वर, बहुत बढ़िया आप सभी का पार्टिसिपेशन। और नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली 65 kg वेट कैटेगरी में लड़ते हैं बजरंग पुनिया, जो बहुत ही फेमस रेसलर पहलवान। दसवां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, हु हैज बिकम द थर्ड इंडियन क्रिकेटर टू रीच द कोवेटेड माइलस्टोन ऑफ प्लेइंग 500 इंटरनेशनल मैचेस। 500 अंतरराष्ट्रीय मैचों के प्रतिष्ठित मील का पत्थर तक पहुंचने वाला तीसरा भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया है। दसवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन यहां पर। और अगले शो के साथ हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, अगला शो है वोकैब डोज, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दसवें क्वेश्चन का राइट आंसर भी आना शुरू हो चुका है और बिल्कुल सही उत्तर महेंद्र सिंह धोनी इज द करेक्ट आंसर। MSD इज द करेक्ट आंसर। 007 MSD इज द राइट आंसर। MS धोनी हमारे फेवरेट क्रिकेटर और उम्मीद करता हूं आपके भी फेवरेट क्रिकेटर। इसी के साथ हमारा शो जो है वो खत्म होता है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट आपके सामने। यू कैन सफर द पेन ऑफ चेंज, मतलब अगर आप में बदलाव आ रहा है और उसके लिए अगर आपको दर्द उठाना पड़ रहा है, पेन महसूस हो रही है, तो आप उससे सफर करिएगा। लेकिन या तो आपके सामने ऑप्शन है कि जो अभी तकलीफ आप उठा रहे हैं
आप उसका सफर जो है, उसका जो दर्द है वो सहते जाइए। मतलब कहने का है कि भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, चमकाने के लिए अगर दर्द उठाना पड़े तो वो दर्द जो है वो बड़ा मीठा दर्द बन जाता है। और जब आप सफल हो जाते हो, पीछे मुड़ के देखते हो तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आती है, ना कि आपके चेहरे पर एक गम होता है कि उस समय मेहनत क्यों नहीं करी। इसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।